नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। में हूं आपके साथ अमित शर्मा। एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से दिल्ली पहुंच गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अर्जुन राम मेघवाल के साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, इसके अलावा और भी कई नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने उनका फूल देकर स्वागत किया। कल यानी कि 24 जून को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है। वहीं विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके प्रस्तावकों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में हैं। सीएम शाम को करीब 7 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री कल राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के चुनाव में नामांकन के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचे। चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने निकाय चुनाव में 60% से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है और जिसके लिए मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव पर भी बयान दिया है और कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने निकाय चुनाव में जीत हासिल की है, इसी तरीके से ये गठबंधन आगे बढ़ता रहेगा और आगामी चुनावों में भी जीत हासिल करेंगे। हाँ मित्रों, सबसे पहली बात तो कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए, 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं, कुल 46 इकाइयों का ये चुनाव था और विशेषता इस चुनाव की ये थी कि सबसे पहली बार चेयरमैन का जो सीधा चुनाव हुआ है और इस सीधे चुनाव का बहुत स्वागत किया गया। सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ये मूव है, एक सफल मूव, और उसमें जब रिजल्ट आए हैं तो ये मानकर चले कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सब मिला करके और हमारी एक अच्छी मेजोरिटी, मैं समझता हूँ कि सब मिला के 28 यानी मोर देन 60% ये रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के ही भाग गई है और उनको तो कहीं ना भरोसा था कि भी हम कोई जीत पाएंगे और इसलिए सिंबल दे करके उन्होंने अपने आप को कोशिश की बचाने के, लेकिन बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया था। कोई भी कांग्रेस के द्वारा या उनके किसी नेता के द्वारा सपोर्टेड कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाया। जैसा हमको पता है कि देश के राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो घोषित हो चुका है, उसका नामांकन अब हो रहा है, तो उस नामांकन के लिए देश भर के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबको नामांकन के लिए आह्वान किया जाता है। कल राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट के नाते मैडम मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, उनका नामांकन कल होना है, तो आज उत्तर भारत के जितने हमारे विधायक सांसद हैं उनकी ओर से एक फार्म भरा जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के सभी विधायक सांसद उन एक यानी फॉर्म पर साइन करके तैयार करके कल लेकर के जाएंगे। इसी प्रकार दिल्ली में अलग से फार्म भरे जा रहे हैं, देशभर में बाकी जगह फार्म भरे जा रहे हैं और कल जो है नामांकन होगा और निश्चित रूप से एनडीए के नाते से जो भी मुकाबला होगा उस मुकाबले में एनडीए का हमारा कैंडिडेट निश्चित रूप से विजयी होंगे हम। कल कुछ मुख्यमंत्रियों को बुलाया है वहाँ, तो मुझे भी कहा गया है कि कल वहाँ प्रधानमंत्री जी, कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री नामांकन के समय वहाँ से उपस्थित रहें, कल मैं वहाँ जाकर के इच्छाएँ व्यक्त की हैं कुछ हमारे साथियों ने। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर एक अच्छा बड़ा शो किया जाए। कब करेंगे और किस उपलक्ष्य में करेंगे उस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। तो दुष्यंत चौटाला की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जेजेपी पार्टी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में एक बड़ी बैठक भी हुई है जिसमें बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद रहे, इसके साथ ही जेजेपी के विधायक मौजूद रहे और निर्दलीय विधायक भी यहां पर मौजूद रहे।
और ये कहा जा रहा है कि जेजेपी और निर्दलीय विधायकों ने भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करने का फैसला किया है, उनको अपना समर्थन दिया है। हुई है विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बनाया है, उनका समर्थन करें। और आज उसी लिए हम सब जेजेपी के विधायक इकट्ठे हुए थे और आगे भी जो प्रोसेस होगा उसके अंदर एनडीए। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधायकों के फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो आज पूरी हो गई। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। हरियाणा में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को मिली जीत को लेकर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर हरियाणा में कांग्रेस को साफ कर देंगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले राज्यसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव में मिली जीत इसका प्रमाण है। नेता विपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा रोहतक, सोनीपत और झज्जर को अपना गढ़ बताते हैं। उनके चार शहरी निकायों में चुनाव थे लेकिन वो सभी हार गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा दम लगाया था लेकिन वो कोई चमत्कार नहीं कर पाए। सभी कार्यकर्ताओं को दोनों संगठन के बधाई देता हूं कि उनने पूरी मेहनत लगन के साथ कार्य किया और आज उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते। और खुशी की बात है कि और ऐसे साथी भी जो चुनाव जीते हैं उनने भी फिर ये फैसला लिया है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर सरकार को और मजबूत करकर निकायों में रहेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। खबर है चंडीगढ़ से। निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई है। बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन में 46 नगर निकायों में से 27 पर कब्जा जमाया। इनमें से बीजेपी के हिस्से 22 और जेजेपी को 3 के साथ ही 2 समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इनमें 18 नगर परिषद सीटों में से बीजेपी 10 और जेजेपी 1 जीतने में कामयाब रही। वहीं निकाय चुनाव में जीत के बाद नवनिर्वाचित चेयरमैन संत कबीर कुटीर पर सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने सभी चेयरमैन और को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी बीजेपी के आदर्श मार्ग पर चलकर प्रदेश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से तमाम जो नवनियुक्त चेयरमैन हैं वो पहुंचे और मुख्यमंत्री की ओर से इन सभी चेयरमैन को अपनी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने दी हैं और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने इलाकों का इसी तरीके से विकास करेंगे। और जीत की जो शुभकामनाएं हैं वो भी मुख्यमंत्री की ओर से इन नवनियुक्त चेयरमैन को दी गई। तो चंडीगढ़ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर नवनियुक्त जो चेयरमैन हैं उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। संत कबीर कुटीर पर ये नवनिर्वाचित तमाम जो चेयरमैन हैं वो पहुंचे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भी उन सभी को शुभकामनाएं दी गई और इस बात की उम्मीद जताई कि वो अपने अपने इलाके का, अपने अपने क्षेत्र का मजबूती के साथ विकास करेंगे, ऐसी आशा मैं करता हूं, ये मुख्यमंत्री ने कहा। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन केशनी आनंद अरोड़ा ने गुरुवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक बैठक की। इस बैठक में विभागों के अधिकारियों ने उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
उन्होंने उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग पर बल देते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी 2019 के तहत निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए। तो चंडीगढ़ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी को लेकर चर्चा की गई है। तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। जल संसाधन प्राधिकरण की ये बैठक रही है और इसमें चेयरपर्सन कृष्णी आनंद अरोड़ा ने बैठक ली। गुरुग्राम में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार से शुरू होगा और इस शिविर में 150 से ज्यादा बीजेपी के वॉलेंटियर हिस्सा लेंगे जो देश के अलग अलग राज्यों से आएंगे और यह शिविर गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में चलेगा। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य की माने तो 3 दिन का राष्ट्रीय स्तर का अनुसूचित जाति प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इन 3 दिन के शिविर में 25 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। लाल सिंह आर्य जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल सिंह आर्य जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन चले भी कौन चले भारत माँ के लाल, कौन चले भी कौन चले। और अब खबर है पानीपत से, जहां बीते 3 दिन पहले पानीपत जिले के गांव बराना से 8 साल के मासूम का अपहरण कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके 2 दिन बाद मासूम रौनक का शव घर से करीब 100 मीटर दूर तालाब में बोरी में बंद पड़ा मिला। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जल्द ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मासूम की हत्या से आज भी ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। साथ ही परिजन और ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे अपराधियों पर मौके पर ही गोली मार देनी चाहिए या फांसी की सजा देनी चाहिए, ऐसे लोगों को पालने का कोई फायदा नहीं है। विनोद के पास में बैठा हुआ था, सही है वहाँ पे गया, मैं उसके पास बैठा, मैंने उससे आराम से पूछा, भाई बता रहे तुमने कुछ किया तो नहीं, बोले भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को बचा लेता हूँ। मैंने कहा तेरे साथ एक लड़का था जब तू बाइक से गया, वो उसने कहा मैं अकेला गया, मैंने कहा अकेला नहीं गया, तेरे साथ लड़का था, उसने कहा नहीं, अब तू मेरे को बचा दे, मैं तेरे को कैसे बचाऊँ, तेरे साथ लड़का, तू जवाब नहीं दे रहा है, तो बता दे मैं तेरे को बचा लूंगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी तो इनको है कि इनको सारे आम या तो गोली से मार दिया जाए या इनको फांसी दे दी जाए, ताकि पब्लिक में ये मैसेज जाए भाई ऐसे काम करने वालों का ये अंजाम होता है, जिससे कि अंकुश भी लगेगा आगे कोई अपराध करने के बारे में, एक बार नहीं लाख बार सोचेगा भाई मैं ये काम करूँ ना करूँ। और इन लोगों को समाज में जिंदा रहने कोई हक नहीं है, जेल में डाल दोगे इनको, जेल में रोटियां मिलेंगी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दीवारी में तो कैद है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है उनको, वहाँ पे अपना टाइम पास करते रहेंगे, बाद में इनको पैरोल भी मिलनी शुरू हो जाएगी, समाज में भी आना शुरू हो जाएंगे। इन लोगों को पालने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे आदमी को तो समाज से हटा देना ही सबसे बड़ा न्याय है इन लोगों। रेवाड़ी के गांव मंदोला में झुग्गियों में रहने वाले गाड़िया लोहार पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने हमला कर दिया। उनकी झुग्गियों में आग लगाते हुए मारपीट के साथ साथ तोड़फोड़ भी की। वहीं जब पीड़ितों ने खोल थाने में जाकर FIR दर्ज करने को लिए कहा तो पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ितों ने अपनी शिकायत DSP को दी। DSP ने कार्रवाई के लिए अधिकारियों को जांच के आदेश भी जारी किए। ये हमारे रिश्तेदार है, हमारे रिश्तेदार इनके साथ में बहुत बुरा काम होया है। 10 तारीख की इनके शादी थी, 11 ना आपस आए, गांव वालों ने थे ना, गांव वालों ने की मार पिटाई करी, उनकी भी मार पिटाई हुई। फिर इनकी दूसरी लड़की, एक तो लड़की 3 महीने पहले वो ले गए दाणक, एक लड़की दूसरी को भी उठा रहे थे, फिर तू जान उठा रहे थे, जब इनने भी करा रोला, अब तू जान देखती आंखें तो कौन उठाने दे, उनने मारी तो उनने भी मारी, यो बातें हुई, इसके ऊपर यो विवाद होया। फिर इनका कल
22 तारीख ने इनके मकान को अंधड़ा दिए। 50 साल से रह रहे उस गांव में मंधोला में, 50 साल से रह रहे हैं ये। इनके घर उर जला दिए, सब इनके बर्तन भांडे जला दिए, सब राय रकम वकम थी, कागज पत्रे थे, टूम भी बता रहे थे। तो भगे थे 11 तारीख रोड़ा होया जब, ये तो भगे थे। अब पीछे से कुछ भी करो भलाई, इनके नाज भी थे 10-5 क्विंटल खाने पीने के, और 2 किलो चांदी बता रहे, 3 तोला सोना बता रहे, अब रकम भी थी कुछ नकद। ये तो भगे थे 10-11 तारीख ने। उसके बाद में बस यही विवाद होया इनका। ये सर ऐसा है, ये मंदोला गाँव में रहते हैं। 11-6 को धानकों का लोहारों का झगड़ा हो गया था, जिसमें लोहारों की तरफ से 2 आदमियों को चोट लगी थी, धानकों की तरफ से 7 आदमियों को चोटें लगी थी, जिसमें 1 आदमी को ज़्यादा चोट थी, जो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 19 तारीख को, 20 तारीख को पोस्टमार्टम करवा दिया। लोहारों के खिलाफ 302 का अभियोग दर्ज है, जिसकी जाँच चल रही है, जाँच के उपरांत गिरफ्तारी की जाएगी। लड़की का इसमें कोई विवाद सामने नहीं आया है अभी, शिकायत नहीं थी अभी। बात को लेकर झगड़ा ये पड़ोस में रहते हैं आपस में, औरतों के ऊपर उनके तो तो झुग्गियों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। भिवाड़ी का ये मामला है और पीड़िता ने अब डीएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। और अब खबर है अंबाला से, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कुरुक्षेत्र में तैनात एनसीबी के सब इंस्पेक्टर मलकी सिंह सुबह सैर करने पर निकले थे तो अज्ञात कार चालक ने टक्कर मार दी, मौके से फरार हो गया। टक्कर लगने के बाद घायल मलकी सिंह को सैर कर रहे लोगों ने उठा लिया, उनके परिजनों को सूचना दी। इसके बाद आनन फानन में मलकी सिंह को कुरुक्षेत्र अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं अंबाला रेंज के एडीजीपी श्रीकांत जाधव सहित एसएचओ अंबाला मौके पर देखने पहुंचे। इस दौरान मलकी सिंह के भाई ने बताया है कि रोजाना की तरह सुबह सैर पर निकले थे और पीछे से एक अज्ञात कार ने उन्हें टक्कर मार दी। वहीं अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया है कि कंधे की हड्डी सहित कई जगहों पर गंभीर चोट आई है और उनके सर में चोट लगने से थोड़ी ब्लीडिंग भी हुई, जिसके चलते उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। इस दौरान एडीजीपी ने डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ये दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए। तेज रफ्तार का कहर यहाँ देखने को मिला है। अंबाला की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर एनसीबी सब इंस्पेक्टर की को टक्कर मारी गई है। सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से इसमें जख्मी हो गए, घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तेज रफ्तार इसकी वजह बना है। सुबह सर ये मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे सर, एक गाड़ी आई सर, गाड़ी पीछे से टक्कर मारी सर गाड़ी ने, और रुके भी नहीं सर, वो सीधे निकल गए सर। ये कुशेत्रा का सर, हाँ उन्होंने पहले वहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था एक जो प्राथमिकता उपचार के लिए, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ अंबाला कैंट के लिए रेफर करके। आज सुबह कुरुक्षेत्र में नारकोटिक ब्यूरो में तैनात सब इंस्पेक्टर मलकीत सिंह का एक्सीडेंट हुआ है। अपनी स्विफ्ट गाड़ी ने उनको हिट किया है, जिसमें उनको चोटें आई हैं, और कुरुक्षेत्रा से वो अम्बाला कैंट रेफर होकर आए हैं, जिनको अम्बाला रेंज के डीजीपी महोदय खुद इलाज के दौरान देखने के लिए आए हैं, और उन्होंने डॉक्टरों से मिल करके उनको एक बढ़िया इलाज मुहैया करवाने। अंबाला में तड़के 4:15 के करीब एक तेज रफ्तार कैंटर ने एक बुजुर्ग को कुचल दिया। बुजुर्ग व्यक्ति फुटपाथ पर सो रहा था, जिसकी पहचान बरेली के रहने वाले 50 वर्षीय इलियास के रूप में हुई। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए छावनी के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। वहीं कैंटर ने अंबाला जगाधरी मार्ग पर स्थित संत निवास की दीवार को भी नुकसान पहुंचाया। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया है।
कैंटर है जो जगाधरी रोड पे अंबाला जगाधरी रोड के ऊपर जगाधरी की तरफ से आ रहा था जी, और ये काफी तेज कब्जा लाभ रहा है, चालक इसको चला रहा है कैंटर को, इससे बैलेंस बिगड़ने के कारण इससे इसकी जो कैंटर का बैलेंस बिगड़ा तो वो एकदम से डिवाइडर पे चढ़ा दिया कैंटर, तो डिवाइडर पे एक व्यक्ति था जिसने छोटे बड़े कोई दुकान से लगाई थी बेचारे ने, वो कैंटर के नीचे दबने के कारण वही मतलब मर गया वो। और अब खबर है झज्जर से, जहां सब कर्मचारी संघ की बैठक पूरी हुई। ये पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की बैठक जिला प्रधान नवीन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मीटिंग का संचालन जिला सचिव विष्णु जांगड़ा ने किया। राज्य प्रधान जयपाल गुड्डा ने बताया है कि प्रदेश सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का ना करना, कैशलेस मेडिकल सुविधा ना देना, कौशल रोजगार निगम भंग करने जैसे कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है और इसीलिए संघ ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। मार्च 2021 में मुख्यमंत्री आवास पे प्रदर्शन किया था और वहाँ जो SDM महोदय थे उन्होंने ये कहा हमारे प्रदर्शन में 14 मार्च का हमारा वो प्रदर्शन था 2021 में कि आपकी CM से 21 तारीख को वार्ता करा देंगे। हमने ये फैसला लिया था कि जब तक वार्ता नहीं होती हम करनाल के अंदर अनिश्चितकालीन धरना अपना चलाएंगे जी। हमारी 3 बार बातचीत कैंसिल होकर 4th बार वहाँ अप्रैल में 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता करवाई वहाँ के SDM ने और मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी कुछ मांगों पे सहमति की। जैसे हमारे टर्म अपॉइंटी हैं 16 साल उनको नौकरी लगे होंगे और उनको अभी हरियाणा राज्य में 12 जून से 26 जून तक NCB की ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नुह और पलवल जिले में बीते दिनों से कार्रवाई की जा रही है जिससे भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। बरामद किए गए नशीले पदार्थ को गुरुग्राम से सेक्टर 37 की एक फैक्ट्री के मार्फत पुलिस ने नष्ट किया है। साउथ रेंज के ADGP M रवि किरण ने बताया है कि आज नष्ट किए गए नशीले पदार्थों में 31 किलो गांजा, 2 किलो डोडा पोस्त जैसे नशीले पदार्थ शामिल हैं। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग कर भी नकेल कस रही है। पुलिस की ओर से लोगों को नशे के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। छब्बीस जून को वर्ल्ड एंटी ड्रग डे बनाया जाता है, ये UNO के तरफ से घोषणा किया है और भारत सरकार का NCBI नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो 12 से 26 तक अभियान चला रही है। इसके सिलसिले में हमने नूह और पलवल डिस्ट्रिक्ट का ये 31 क्विंटल का गांजा है, 2 क्विंटल का दोड़ा पोस्ट को गुड़गांव में हमने इसको डिस्ट्रॉय करा दिया। तो गुरुग्राम में नशीले पदार्थ को नष्ट किया गया, 31 किलो गांजा, 2 किलो डोडा पोस्त इसमें नष्ट किया गया। आपको बता दें कि गुरुग्राम पुलिस और NCB की ओर से लगातार नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और उसी का ही नतीजा है कि नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले और नशीला पदार्थ बरामद किया जा रहा है। कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है। जी हाँ, पिछले लगभग 15 दिनों की अगर हम बात करें तो अंबाला जिले में 2 से 4 केस आ रहे थे, लेकिन एक सप्ताह से कोरोना के आंकड़े बढ़कर अब 7 से 8 हो गए। वहीं आज पूरे अंबाला जिले की बात करें तो 26 नए मामले सामने आए जिस पर डॉक्टर्स ने पूरी तैयारी कर ली है और डॉक्टर कोरोना की चौथी लहर के लिए भी तैयार है। वहीं अंबाला CMO कुलदीप शर्मा ने लोगों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएगा वो अपने आसपास की लैब में जाकर अपना सैंपल देकर जरूर चेक करवाए। देखिए, पिछले लगभग 15 दिन से ये है कि हर रोज 2 या 3 4 केस आ रहे थे। अभी पिछले एक हफ्ते से केस बढ़ के हैं 7 से 8 10 और आज टोटल 26 केस पूरे जिले से आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो शहजादपुर का ग्रामीण एरिया है उसके उससे 11 केस हैं और 7 केस अम्बाला कैंट से हैं और 1 केस नारायणगढ़ से है, 2 बराड़ा से हैं और 5 अम्बाला सिटी से।
तो ये केस और जो केसेस के वो आ रहे हैं, उनकी कोई ना कोई कॉन्टेक्ट हिस्ट्री या इंटरनेशनल ट्रैवल की हिस्ट्री आई है, अभी इंटरनेशनल ट्रैवल में उनको इनको परिवार आया होता है, उसके बाद वो आगे सब में फैला रहा, अभी उसमें उससे एक चैन बन जाती है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।